हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे यंगेस्ट इंडियन हैं जिन्होंने अपना स्थान बनाया है ह्यूरन ब्रिज लिस्ट 2021 में। जानेंगे बेसिकली क्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, आमतौर पर जब कोई इतनी बड़ी कंपनी बनाता है तो या तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, या तो काफ़ी एज में जाकर, मतलब 60-70 साल तक पहुंचकर वो इतनी बड़ी कंपनी बना पाते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत सिर्फ 23 साल के हैं जिनका नाम है स्वासित नकरानी। और कमाल की बात, इनका कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, इसके बावजूद भी इन्होंने एक $1 बिलियन कंपनी बनाई है। इनकी कंपनी का नाम है भारत पे। पूरा सब कुछ बात करेंगे, कैसे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, बिजनेस मॉडल कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में जानेंगे, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन साथ में जानेंगे ह्यूरन ब्रिज लिस्ट 2021 के बारे में जानेंगे, इसमें कितने लोग शामिल हुए। एज ऑफ नाउ न्यूज़पेपर्स दिखाया है इनके बारे में, ये वैसे देखे तो ये IITian है, IIT में एडमिशन उन्होंने लिया था, और IIT में जब थे उस समय थर्ड ईयर में ही इन्होंने अपनी कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया था। आमतौर पर लोग कॉलेज में सिर्फ मस्ती करने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने थर्ड ईयर में ही सोचिए एक इतनी बड़ी कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया जो एज ऑफ नाउ एक $1 बिलियन कंपनी है। तो ये उन 13 लोगों में शामिल हैं। देखिए, इस बार जो ह्यूरन रिच लिस्ट आई है उसमें 90 के दशक में जन्म हुए 13 लोग हैं, मतलब काफी कम एज के 13 लोग शामिल हैं, जिनमें से इनका भी एक नाम है। इस बार की जो ह्यूरन रिच लिस्ट है उसमें 1000 के आसपास लोग हैं, उस 1000 के आसपास के लोगों में यहां पर इनका भी नाम है। देखिए, ह्यूरन रिच लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल किया जाता है जिनका वर्थ खुद का 1000 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए, तभी उनका नाम शामिल किया जाता है। लेकिन ना सिर्फ इनका जो वर्थ है वो 1000 करोड़ से ऊपर है, बल्कि इनके जो कंपनी है भारत पे, इस भारत पे कंपनी की बात करें, ये एज ऑफ नाउ एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस कंपनी का वर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है वो कंपनी बन जाती है यूनिकॉर्न। तो नकरानी की बात करें, उन्होंने कंपनी को फॉर्मेशन किया था भारत पेमेंट गेटवे का, अपने जो साथी कलीग हैं जिनका नाम है अश्नीर रोवर, 2018 में इस कंपनी को फॉर्मेशन किया जब ये मात्र थर्ड ईयर में थे। तो सोचिए कि एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो है IIT दिल्ली में पढ़ते हुए उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन किया। और कमाल की बात है, वो कंपनी एज ऑफ नो जैसे पेटीएम है, फोन पे है, ऐसे जो बड़े पेमेंट गेटवे हैं इनको प्रॉपर तरीके से कंपटीशन दे रहा है। नकरानी की बात करें, ये 2015 में देखें, इन्होंने 2015 बैच के IIT दिल्ली के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन एडमिशन लिया था टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए। और इसके बाद देखा जाए तो ये भावनगर के भी रहने वाले हैं, और इन्होंने यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बने हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड में $1 बिलियन कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया है। बोल देखिए, यहाँ पे जरूरी क्या होती है, जब भी आप इतनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके पहले जरूरी हो, या तो ऐसा हो कि आपका बैकग्राउंड हो, तब तो चलो ठीक है, लेकिन आप कोई भी इतनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है लार्ज गैप। मार्केट में जो गैप है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जहां पे किसी ने काम ना किया हो लेकिन वो मार्केट की नितांत आवश्यकता हो। और कमाल की बात है, इन्होंने उसी एरिया में काम किया। आपको पता होना चाहिए जैसे बहुत सारे बैंक काम करते हैं, बहुत सारे इस समय पेमेंट इंटरफेस हैं, ऐसे मान लीजिए फोन पे है, गूगल पे है ना, पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। आप मान लीजिए, सपोज करिए किसी इंसान को कोई आपकी दुकान है और आपको यहां पर ट्रांजेक्शन लेने हैं, तो आपको फोन पे का भी लो, गूगल पे का भी लो, फोन पे सबका लो, तब जाके आप ट्रांजेक्शन ले सकते हो। क्योंकि कोई इंसान हो सकता है पेटीएम में पे करे, कोई गूगल पे करे पे करे, कोई फोन पे पे करे, लेकिन भारत पे ने ऐसा मैकेनिज्म लाया कि इनके पास एक ही QR कोड में आप चाहे फोन पे इस्तेमाल करें, चाहे गूगल पे इस्तेमाल करें, चाहे पेटीएम इस्तेमाल करें। तो कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने लाया जो मार्केट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को एक झटके में सॉल्व कर लिया। मतलब इन्होंने एक ऐसा पेमेंट ऐप बनाया जो इंटरऑपरेबिलिटी रखता है, मतलब आपके पास ये QR कोड है, फिर चाहे फोन पे का ट्रांजेक्शन लें, चाहे गूगल पे का लें, चाहे पेटीएम का लें, हर किसी का ट्रांजेक्शन आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। हालांकि देखा है तो इन्होंने उस समय इसको स्टार्ट कर दिया था, बाद में देखें तो 2020 में, अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक मैंडेट कर दिया था कि हर किसी को इंटरऑपरेबल QR कोड का ही इस्तेमाल करना होगा, और मार्च 2022 तक हर किसी को ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो कंपनीज हैं उनके लिए कंडीशन कंपल्सरी कर दिया था। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर भारत पे में एक बहुत बड़ा यूनिक डेवलपमेंट लेके नकरानी ने अपनी बिजनेस को काफ़ी तेजी से एक्सपॉन्ड किया।
एज आप नो देखें तो नकरानी सोल्यूशन जो है इसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने और भी की हैं। जैसे उन्होंने मर्चेंट को एक ही क्यूआर कोड से सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो ले सकते हैं। भारत पे की बात करें, उन्होंने पार्टनर किया बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ में, जिसमें जो कि RBI से अप्रूव है, जो 12% क्लब को भी उन्होंने लॉन्च किया। 12% क्लब क्या है? 12% क्लब। 12% क्लब का मतलब यह है कि अपने आप का इन्वेस्टमेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टाइम का कैप नहीं होता कि मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद ही आपको पैसे मिलेगा, और जबकि उसे 12% एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये भी काफी बड़ा इनोवेशन है जो इनके द्वारा नकरानी द्वारा किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन है भारत पे अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे, जिसके अंदर इंटर ऑपरेबिलिटी है, मतलब अलग अलग जो ट्रांजेक्शन, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, कोई भी हो, सभी का पेमेंट गेटवे आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं, हालांकि उन्होंने एक सेपरेट ऐप भी बनाया है जो मर्चेंट पार्टनर्स के लिए बनाया है। एज आप टुडे देखें, कंपनी जो है 4th लार्जेस्ट UPI प्रोवाइडर है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के बाद में। तो सोचिए, एक यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर सिर्फ 23 साल का, एज ऑफ नो सिर्फ मात्र 23 साल का है, बट ही बिल्ट सच ए बिग एम्पायर। नाउ यदि हम देखें तो एज ऑफ नाउ ह्यूमन रिसोर्स में यदि हम देखें तो वहाँ पे कई सारे नए डेवलपमेंट हैं। जैसे वुमेन की बात करें, वुमेन बहुत सारी आगे बढ़ के आई हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं। साथ में एवरेज एज की बात करें, आमतौर पर पहले जो इतने रिच होते थे वो काफ़ी एजड होते थे, लेकिन अब जो है एवरेज एज धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है, मतलब जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पहले जो बड़ी सिटीज़ हैं वहीं से एंटरप्रेन्योर बनते थे, लेकिन अब पुणे, राजकोट, सूरत, फरीदाबाद, लुधियाना, ऐसे जगहों से भी बेसिकली एज ऑफ नाउ एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, रिच एंटरप्रेन्योर्स जनरेट हो रहे हैं। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 की हम बात करें तो इसमें जो शिरकत किए हैं एज ऑफ नाउ 46 फाउंडर्स हैं, और 46 फाउंडर्स को इसमें शामिल किया गया। आपको पहले बता चुका हूँ, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनका वर्थ 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। नाउ इसमें 46 फाउंडर्स हैं, कंपनी के फाउंडर्स हैं, और साथ में 26 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है $1 बिलियन कंपनी। तो इस बार का जो रिच लिस्ट है, देखिए 2020 का तो चलो ठीक है, 2021 में इतने नए एडिशन किए गए हैं। अब इसमें देखें, सबसे टॉप में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बैजू रविंद्रन, बैजू कंपनी का आपने सुना होगा, इनकी कंपनी ने काफी ग्रोथ किया। एज ऑफ नो बैजू का खुद का जो वेल्थ है वो है 24,300 करोड़, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। 67th रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया माने जाते हैं, जिन्होंने राकेश झुंझुनवाला और आनंद महिंद्रा को भी पीछे छोड़ दिया है। आप बैजू का बिजनेस मॉडल देखेंगे, बहुत सारा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नाउ इसके अलावा देखा जाए तो भारत में एज ऑफ नो ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में 1007 लोग हैं। लास्ट ईयर की तुलना में 179 का एडिशन हुआ है। 119 सिटीज में फैले हुए हैं। लास्ट ईयर की तुलना में 5 सिटीज और भी कवर कर लिया हमने। और एज ऑफ नाउ इनका वेल्थ कितना है, 1000 करोड़ प्लस क्लब में है ये। मतलब जितने भी लोग ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में हैं, उन सभी का जो वेल्थ है एज ऑफ नाउ 1000 करोड़ से प्लस में है। एज ऑफ नाउ मुकेश अंबानी की बात करें, ये टॉपर है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यदि आप मुकेश अंबानी का खुद का वेल्थ देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका वेल्थ की बात करें तो ये है 7,18,000 करोड़ रुपीज। सेकेंड नंबर पे है गौतम अदानी, इनका जो वेल्थ है वो है 5,05,900 करोड़ रुपए। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं SCL के शिव नादर, इनका जो वेल्थ है वो है 2,36,600 करोड़। हालांकि इसमें देखें तो इस बीच स्पेशली अदानी की बात करें, इनको बहुत बेनिफिट मिला, हालांकि इनको थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल जाता है। आप इनके देखें तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी का तो 9,00,000 करोड़ रुपए का है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इनकी 5 कंपनी ऐसी हैं जिनका वैल्यू 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एनीवे इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज हो रहा है। बस जरूरी यह है कि यदि आप इतनी बड़ी बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में जो वैक्यूम है वो पता करना पड़ेगा, कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। यदि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये रहा इस टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। आप क्या लगता है, कौन सी एरिया ऐसी है जिसमें भी काम किया जाता है, क्या सकता है, जिससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, उस टॉपिक पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। यदि आप इस बिलियन डॉलर आइडिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, मुलाकात करते हैं आप लोग उस फिर। इसके अलावा यदि हमारे UPSC MBPSC की बैच कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर कॉल करके। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं, इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।